Hello and Assalamu Alaikum. This is Fatima Nasir and you're watching Digital Diary exclusively on Bright Star TV. In today's episode, some top trending news from the world of technology in Pakistan and around the world. I'm sure you guys are really, really worried about Mondays, but Monday blues are normal, so let's get through it together. The lockdown has been really, really hard, you guys, lekin we are getting through it. And like I said before, we're going to be sticking together during this time. The first story we're going to talk about is the game Last of Us Part 2, which was recently released and it has actually won the award for the Game of the Year. This award is game has won it because it has gotten to the category which is Tell Me Why, which is a transgender is also a part of the game, and the story is really resonated with a lot of people. And their story, which is a part of the game, is because many people have actually really connected with the game itself, and the game has really, really won big. ये अवार्ड सर्मनी यूजुअल सर्मनी इसकी नहीं थी तरह नहीं थी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पेंडेमिक इसको ऑनलाइन किया गया था एंड मेक श्योर किया गया था कि हर कोई सेफ हो एंड द जूरी डिसाइडेड विदाउट अ डाउट कि दिस गेम वाज द बेस्ट गेम ऑफ द ईयर कुडूस टू यू गाइस वी होप कि आते अगले वक्त में भी हम लोगों को बहुत बहुत मजे की गेम्स देखने को मिले एंड नॉट ओनली गेम्स बट ऐसी गेम्स जहाँ पे आप एक मैसेज फॉरवर्ड करें टू द सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड रियली रियली प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव ग्रोथ ऑफ एवरीबडी इन्वॉल्व्ड. इस लॉकडाउन के थ्रू जो एक चीज मैं यकीन से कह सकती हूँ कि नेटफ्लिक्स हैज बीन आवर बेस्टेस्ट फ्रेंड बट नेटफ्लिक्स हैज गॉट रियली रियली गुड कॉम्पिटिशन दिस टाइम बिकॉज पेंडेमिक की वजह से जहाँ पे सिनेमा हॉल्स बंद हो गए एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज एक्चुअली स्टक एट होम उनको घर पर ही अपने शोज को कंटिन्यू करना पड़ रहा है. वहाँ पे डिज्नी ऑफकोर्स हैज गिवन सम मेजर कॉम्पिटिशन टू नेटफ्लिक्स. अभी भी नेटफ्लिक्स से कम ही है सब्सक्राइबर्स फॉर द डिज्नी प्लेटफॉर्म जो कि इस टाइम पे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. बट कॉन्टिन्यूइंग दे हैव एक्चुअली सेड कि नेक्स्ट ईयर जितनी भी मूवीज रिलीज होंगी डिज्नी के प्लेटफॉर्म से वो सब HBO मैक्स के ऊपर ही की जाएंगे विच इज देयर वे ऑफ एक्चुअली कॉलिंग अप ऑल द व्यूअर्स ताकि वो लोग सब्सक्राइब करें टू देयर न्यू हॉट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म. बट देखते हैं कि किस तरह से आगे को चलता है क्या नेटफ्लिक्स के यूजर्स को डिज्नी अपनी तरफ कर पाएगा बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन अ ट्रेंड जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों के अकाउंट्स हैं. ऑफकोर्स इवन माई सेल्फ आई हैव अ नेटफ्लिक्स अकाउंट आई ऑल्सो हैव अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मेरे अकाउंट है. सो लेट्स सी हाउ पीपल आर गोना अकोमोडेट डिज्नी बट डिज्नी इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग द प्राइस नेक्स्ट फेब्रुअरी विच कैन बी समथिंग जिसकी वजह से जो व्यूअर्स हैं वो पुट ऑफ हो सकते हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग हो सकता है कि वो लोग प्राइस चेंज की वजह से कंटिन्यू ना करना चाहें. बट लेट्स सी कि डिज्नी अगर कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग बनाता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि लोग कंटिन्यू करें उनके साथ स्टिक करना लेट्स सी हाउ इट गोज. In the world of technology, privacy is one of the most important issues in today's world. बहुत सारे लोग इसके बारे में सवाल भी उठाते हैं और बहुत सारी companies and technological giants के अलावा भी कुछ ऐसी companies हैं जो कि हमारे rights को violate करने की कोशिश करते हैं. क्या आपको वो movies याद हैं जहाँ पे surveillance इतनी ज़्यादा हो जाती है जहाँ पे आप हर जगह पर आपको surveil किया जाता है चाहे वो आपका घर हो चाहे वो stores हो चाहे वो आपकी shopping routine हो. That has actually become a reality in today's world जहाँ पे co-op which is of course a general store kind of a market. It's a big supermarket. Of course, it's not like a small store. And it's a huge and major chain जो कि UK में operate करती है with stores all across the UK have actually installed these new cameras जिनकी even testing तक पूरी हो चुकी है and customers को कोई idea नहीं था about these cameras were introduced by a startup called FaceWatch जहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हुए लोगों पर नज़र रखी जा रही थी विदाउट देयर नॉलेज ऑफ कोर्स. ये टेस्टिंग फेज के अंदर किया गया जहाँ पे कई सारे स्टोर्स के अंदर इन कैमरास को इंस्टॉल किया गया और लोगों को फेस को स्कैन करते हुए फेस रिकग्निशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए देखा गया कि कौन से ऐसे लोग थे जिनके पुराने कोई रिकॉर्ड्स थे एंड ये वही उन्हीं स्टोर्स में ऑपरेट किया गया जहाँ पर ज़्यादातर थेफ्ट होते हैं ज़्यादातर रॉबरीज होती हैं टू मेक श्योर कि कोई भी जिनका पास्ट रिकॉर्ड हो उनको फ़ौरन से लोकेट किया जा सके और ध्यान रखा जा सके और नज़र रखी जा सके. बट इज़ दैट रियली रियली फेयर? वी कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी स्टोर चाहेगा कि वो लोग अपने आप को थेफ्ट से बचा सके रॉबरी से बचा सके बट इज़ इट रियली समथिंग कि आप बगैर लोगों को इन्फॉर्म किए व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कस्टमर्स जिनका कोई कसूर नहीं है. एंड वी हैव आल्सो सीन इन द पास्ट कि AI का इस्तेमाल करते हुए जब भी फेस रिकग्निशन किया गया है एंड दिस इज ऑल्सो टू से विद द वीज़ा सिस्टम इन द UK दैट इज प्रेजेंट AI इज नॉट परफेक्ट एंड इट कैन बी बायस्ड एंड इट कैन बी रेशियल एज वेल यानी कि इट कैन टारगेट पीपल समटाइम्स इन द रॉन्ग वे कुछ गलत लोगों को भी फ्लैग किया जा सकता है. तो इज इट रियली स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? लोगों की तरफ से इस चीज़ को रियली रियली गलत बोला जा रहा है एंड
सिर्फ कुछ स्टोर्स के अंदर किया गया था, टेस्टिंग फेज था एंड वो लोग अभी रोल आउट करने वाले थे इन द रेस्ट ऑफ द स्टोर्स, बट कोऑप की तरफ से कहा गया है कि दे डू नॉट वांट टू इंस्टॉल दीज इन द रेस्ट ऑफ द स्टोर्स जहां पे इसकी टेस्टिंग की गई है. ऑफ कोर्स गिवन द फैक्ट के लोग इतने अपसेट हैं इसके बारे में, हो सकता है कि वहां से भी इसको हटा दिया जाए, बट फॉर श्योर कोऑप की जो बाकी ब्रांचेस हैं वो इसको कंटिन्यू नहीं करेंगी. टेक्नोलॉजी कंपनीज अब बिग यू गाइस, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के बगैर कोई काम नहीं होता है और गूगल तो हमारी ज़िंदगी का एक इतना मेजर हिस्सा बन चुका है कि अगर हम लोगों को ये भी देखना होता है कि कोई रेगुलर डेली बेसिस का आम काम भी करना हो तो गूगल को सर्च के बगैर हम लोग नहीं करते टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द राइट वे टू डू इट. बट हाल ही में गूगल हैज़ बिन अंडर स्क्रूटनी बिकॉज एक फर्म के एम्प्लॉय ने, यानी कि गूगल के एक एम्प्लॉय ने कहा है कि उनको बहुत ही अजीब सर्कमस्टांसिस में गूगल को छोड़ना पड़ा, जहाँ पे उन्होंने एक ईमेल लिखा और उन्होंने इस बारे में बात की कि किस तरह से गूगल के अंदर उनकी शिकायत है कि वॉइसेस को मार्जिनलाइज किया जाता है, ऐसे लोगों की आवाज़ को जो कि डिफरेंट रेसेस से हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, ये उनकी शिकायत है जिसके ऊपर ऑफ कोर्स द सीईओ ऑफ द कंपनी एट द मोमेंट हैज सेड कि इस तरह की कोई बात नहीं है. सूरज पंचोली हैज़ ऑल्सो सेड कि ऑफ कोर्स द फर्म इटसेल्फ विल रिसर्च मोर एंड फाइंड आउट कि किस इशू की वजह से उनको छोड़नी पड़ा गूगल को. उनका कहना यह भी था कि AI रिसर्च के दौरान उनको कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आई थी जो एक रिसर्च पेपर उन्होंने सबमिट किया था जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जिसके बाद उन्होंने गूगल को छोड़ने का फैसला किया था. एंड वी नीड टू मेक श्योर कि ये जो बिग टेक जॉइंट कंपनीज है दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, जिसकी भी गलती हो चाहे एम्प्लॉय की चाहे कंपनी की, वी नीड टू हैव अ ट्रांसपेरेंट व्यू ऑफ दैट बिकॉज इतनी बड़ी मेजर कंपनीज की तरफ से हम लोग किसी तरह का अनफेयर और बायस्ड बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं आज की दुनिया में. इट इज 2020 यू गाइस एंड टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, बिग कंपनीज हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, रिमेंबर दैट. वी नीड टू चेंज द वर्ल्ड वी लिव इन, वी नीड टू चेंज कि किस तरह से इस दुनिया में लोगों को ट्रीट किया जाता है. वी नीड टू ब्रिंग अ बेटर वर्ल्ड टुगेदर. The US is always in the news, you guys. कभी अच्छे reasons के लिए, कभी बुरे reasons के लिए. And US के साथ जुड़ा हुआ एक और मुल्क जिसके साथ हमेशा US की headlines बनती रहती हैं. And guess which country it is, you guys. Of course, we're talking about China. US and China have been on the edges with each other for a very, very long time. आए दिन उनसे कोई ना कोई हमें news stories सुनने को मिलती हैं कि कभी China ने कुछ कर दिया, कभी US ने कुछ कर दिया. And अब news हमारे पास ये है कि US के अंदर officially, of course, हमें already ये बात पता होगी आप लोगों को कि हवावी को बैन कर दिया गया है, which is a major telecommunication company from China, जिसको US के अंदर over privacy breach issues and security issues के ऊपर उनको बैन कर दिया गया था. And now the FCC, which is the Federal Communications Commission in the US, has officially announced to remove all their equipment from all telecommunication networks in the United States as well. यानी कि आने वाले वक्तों के अंदर कोई भी ऐसी equipment जो कि इस company, हवावी company की तरफ से US के अंदर installed है, will also be removed completely. लेकिन उससे पहले इनको Congress से ज़रूरत पड़ेगी FCC को कि Congress इनको allot करे a lot of money to replace all these equipment जो कि ऑफ कोर्स चाइना की इस कंपनी की तरफ से ऑलरेडी यूएस के अंदर इंस्टॉल कर दी गई है. आगे चलते हुए हमें देखने को मिलेगा कि कोई भी ऐसी इक्विपमेंट जो इस्तेमाल की जा रही थी यूएस के अंदर अब आगे चलते हुए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, विच इज़ अ सैड रियलिटी. ऑफ कोर्स हवावी इज़ रियली सैडेंड बाय द होल थिंग एंड वो लोग अग्री करने को तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच किया जा रहा था. बट आए दिन हम लोगों ने खबरें सुनी हैं जहाँ पर हवावी की के लिए जो यूएस में इंटेलिजेंस है उनकी तरफ से कहना था कि हवावी वॉज कनेक्टेड विद द चाइनीज गवर्नमेंट और उनकी उस कनेक्शन की वजह से यूएस के अंदर जितने भी ऑपरेशंस थे हवावी के, वो सब जो थे वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे और उनको सिक्योरिटी ब्रीच के अंदर जो था वो बार बार देखना पड़ रहा था. एंड आई कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि कोई भी मुल्क चाहेगा अपने आप को सेफ रखना. एंड विद टेंशंस बिटवीन द टू पावर्स इन द वर्ल्ड टुडे, यूएस एंड चाइना, वी कैन अंडरस्टैंड कि यूएस वुड वांट टू प्रोटेक्ट देम एंड बैड फॉर हवावी आई गेस. It's a great company though, I mean, they're functioning all over the world. So I hope ki unko zyada fark nahi padega is change se. But at the same time, US is keeping its borders really, really safe in terms of China and they're really, really trying to work their way up ke China ke saath unke jo relations hai. Of course, maybe they should work on them and maybe they should try and improve them, but that is what it is. US is what it is and it's completely fine.
So you guys, these were our top 5 trending news from the world of technology today. Please let us know in the comments below कि आप लोगों को हमारी न्यूज़ स्टोरीज़ में से कौन सी न्यूज़ स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग लगी है. एंड ऑफ कोर्स आई डू रियली वांट टू नो कि आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दिस हवावी बैन जो कि काफ़ी देर से कर रहे हैं. दिस टेंशन जो कि यूएस और चाइना के बारे में के दरमियान बिल्ड हो रही है. एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन दिस बिकॉज टेक्नोलॉजी की ही वजह से तो चाइना हैज़ एक्चुअली बीन एबल टू कम्पीट विद द यूएस. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या यूएस फेयर है इस चीज़ के अंदर कि कोई भी इक्विपमेंट भी जो बची हुई है वो भी वो रिमूव करना चाह रहे हैं. लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे. मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा विद सम वेरी वेरी हॉट एंड ट्रेंडिंग न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. Allah Hafiz.